स्वागत है मेरे प्यारे पितरों एंड पितरानियों, आपके अपने चैनल अनदेखा गेमिंग पर। ओह सॉरी सॉरी, गुस्ताखी माफ मेरे प्यारे मित्रों एंड मित्रानियों, आपके अपने चैनल अनदेखा गेमिंग पर। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं ही बढ़िया हूँ। चलिए हम आज के अपने गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज ही हमारा आने वाला केदारनाथ टेम्पल जो हम क्रिएटिव में खेल रहे हैं उसका ट्यूटोरियल। गाइज ट्यूटोरियल। तो गाइज, इस पे मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए, बस वो आपको देखते हैं आपको कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर बताना गाइज मेरे को। मैंने बहुत मेहनत करी है गाइज, कम से कम 2 से 3 महीने की मेहनत के साथ ये हमारे सामने विलेजर है। तो गाइज अपनी गेम हम स्टार्ट करते हैं गाइज, जिसका हमें वेट था। तो गाइज ये हमारा वे टू केदारनाथ धाम 1 किलोमीटर। तो चलते हैं अपना ऊपर, ये है गाइज हमारा पैदल पथ वाला रास्ता। तो गाइज कुछ अपना इस तरीके से सामने दृश्य दिख रहा है गाइज। तो मतलब बताना गाइस कमेंट करके, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमने बताया था गाइस वही तो सुंदरता है जो हमने ओनली ये इस पे छोड़ दी थी गाइस। बिल्कुल देख लो एकदम से, ये हमारा है पैदल पथ वाला रास्ता गाइस, ये जो आ रहा है केदारनाथ जी के लिए। ये एक हवन कुंड है हमारा जो गाइस मंदिर के लिए जा रहा है, और एक हमारा रास्ता ये है जो हॉर्स राइडिंग वाला है गाइस। एक बार अपने चलते हैं, हमने 3-4 रास्ते बनाए थे गाइस, तो पहले अपने यहाँ भी चलते हैं गाइस। ये हमने क्रिएटिव में बनाया गाइस सारा, कमेंट करके बताना गाइज आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया केदारनाथ टेम्पल के ऊपर। तो गाइज ये हमारा हॉर्स राइडिंग वाला, ये हम यहाँ से हॉर्स अपने लेके हम जा सकते हैं जैसे हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं ऊपर। तो ये देखिएगा वे टू केदारनाथ धाम 900 मीटर गाइज। तो ये अपने चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये हमारा पहला रास्ता वो था जो पैदल वालों का था, दूसरा रास्ता हमारा हॉर्स राइडिंग वालों का था। ये देखिएगा गाइज ये श्रद्धालु अपने जा रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर। और जो हमारा तीसरा रास्ता है वो है हमारा हेलीपैड वाला रास्ता गाइज, जो हमने हेलीपैड बनाया था गाइज। तो ये देखिएगा गाइज ये हमने हेलीपैड बनाया था अपना यहाँ पे, ये हमारा हेलीपैड वाला रास्ता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो गाइज चलते हैं अपने ऊपर बिना किसी देरी करे हुए। ये हमारा हेलीपैड वाला रास्ता गाइज, यहाँ से भी अपने श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो ये हमारा मंदिर के लिए ऊपर जाने का रास्ता। और गाइज ये झरना आ रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर से, ये हमारे झरने आ रहे हैं। ये हमारी एक पूरी नदी है गाइज, ये गंगा जी हम बोल सकते हैं, हमारी गंगा जी है, ये ऊपर से आ रही है नीचे तक। तो चलते अपने सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर की तरफ गाइज। तो ये देखिएगा ये हमारे थोड़े यहाँ के जो दर्शन करने आए हुए हैं और यहाँ के आम लोग बाग। तो ऊपर की तरफ चलते हैं गाइज अपने और सीढ़ी चढ़ते हैं। तो गाइज ये देखिएगा ये हमारी स्टार्ट होती है होटल्स लेन, जहाँ पर सारे हमारे होटल्स हैं रुकने के लिए गाइज। ये देखिएगा फर्स्ट होटल हमारा ये वाला है गाइज। तो चलते अपने एंटर होते अपने फर्स्ट होटल के तरफ। तो देखिएगा गाइज ये हमारे यहाँ पर मतलब पूरा होटल है ये फर्स्ट जो हमने बनाया A to Z। हमने दिखाया गाइज अपने चैनल पे एकदम सारे पार्ट्स दिखाए हमने। तो थोड़ा ना गाइज चलते अपने अंदर की तरफ गाइज। ये हमारा रिसेप्शन है जो हमने दिखाया था, बनाया था, सब चीज़ करी थी। यहाँ पर जाके हम अपने होटल की बुकिंग करा सकते हैं। और ये हमारे रूम्स है गाइस सारे। तो एक रूम हम दिखा देते हैं नीचे का गाइस, बाकी सारे हमने बना रखे हैं गाइस बे वो मतलब रहे। ये हमारा एक रूम, ये हम सारे दिखा देते हैं नीचे के। ये हमारा दूसरा रूम गाइस, ये गेट खोलते हैं, ये हमारा दूसरा रूम गाइस, ये सारा अपने रुकने के लिए गाइस। अब अपने चलते तीसरे रूम की तरफ अपने। ये रहा गाइस हमारा तीसरा रूम और अपना चौथा रूम। ये हमारे होटल्स है गाइस, होटल्स लेन ये देखिएगा। और चलते अपने बाहर की तरफ गाइज। अब ये अपना फर्स्ट फ्लोर के लिए जाते हैं अपने होटल में गाइज। यहाँ पर 5 रूम हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर ही मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 5 रूम्स हैं और सेकंड फ्लोर पे भी 5 रूम्स हैं। तो अपने चलते हैं ऊपर की तरफ, अपने होटल्स दिखा रहे गाइज अभी हम आपको। एक होटल से वैसे बात तो बन जानी चाहिए गाइज, ये हमारा होटल है। यहाँ से अपने चलते हैं, ये हमारे यहाँ से देखो गाइस व्यू, पूरा नीचे का व्यू दिख रहा है अपनों को। अब चलते हैं अपने इधर की तरफ, ये हमारे रूम्स हैं। इस गेट्स में गेट्स को हमें खोलना नहीं पड़ेगा बल्कि यहीं से दिख जाएगा। ये रहा गाइस हमारा पहला रूम, ये रहा हमारा दूसरा रूम, या 2 रूम का सेट है ये। ये रहा हमारा तीसरा रूम गाइस, ये हमारा चौथा रूम। तो गाइस ये रहा अपना रूम सेट, और ये ऊपर वाले रूम्स हैं गाइस हमारे सारे। ये 2-2 फ्लोर के हमने ले रखे हैं। और गाइस पीछे जो हमारे पहाड़ का व्यू आ रहा है गाइस, कमेंट करके बताना गाइस कैसा लग रहा है ये। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया गाइस। और ये देखिएगा ये हमारा दूसरा होटल है जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है गाइस। ये सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही है, बस अंदर से रूम्स थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं गाइस। और ये हमारा तीसरा होटल है गाइस, ये मतलब ये दोनों होटल एक मात्रा के मतलब एक नाप के हैं।
और ये वाले जो हमारे दो होटल हैं ये भी एक नाप के हैं, तो एक बार नीचे चलते गाइस क्योंकि हमारा टेम्पल शो होने लगा है, तो थोड़ा व्यू आना चाहिए ना गाइस तगड़ा वाला। तो अपने चलते थोड़ी बीच की तरफ, ये हमारा थोड़ा विलेजर आगे आ गया है, चलते अपने ऊपर की तरफ, वो देखिए गाइस अपना टेम्पल दिखना स्टार्ट हो गया है गाइस। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है अपना टेम्पल का व्यू गाइस। अब अपने और ऊपर को चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट हो जाते हैं अपने, अब चलते हैं अपने थोड़ा और ऊपर को गाइस। तो ये कुछ हमारा इधर भी आजू बाजू सारे होटल्स आई, हमारे होटल्स नहीं है गाइस, अभी बाकी हम दिखा देंगे आपको निकलते बढ़ते होटल। तो गाइस ये हमारा टेम्पल दिखने लगा है गाइस अपने लोगों को, तो ये अपना टेम्पल दिखने लगा है गाइस पूरा। तो गाइस कमेंट करके बताना अपना टेम्पल कैसा लग रहा है गाइस। ये केदारनाथ टेम्पल है, जी हाँ गाइस, जो हमारा केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में गाइस, ये वो वाला हमारा टेम्पल है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ तक हमारे गाइस होटल्स थे, तो अब अपने आते हैं अपनी शॉप्स पे। तो गाइस ये सारी शॉप्स हैं जहाँ पर पूजा पाठ का सामान वगैरह मिलता है। तो गाइस ये हमारा टेम्पल कुछ इस प्रकार दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा और ऊपर को चलते अपन, ये देखिए गाइस ये कुछ इस प्रकार अपना टेम्पल दिख रहा है आप लोगों को। और ये देखिएगा गाइस पूरी हमारी शॉप्स है ये यहाँ पे, ये हमारी मतलब पूरी शॉप से हर प्रकार का सामान है, रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, सब चीजें हैं गाइस, ये हमारी शॉप से गाइस। अब चलते अपने थोड़े आगे की तरफ अपनी दूसरी रो में, मतलब ये कम से कम 30 से 40 शॉप से गाइस ये हमने सब बनाई है, हमने पार्ट्स में सब दिखाया गाइस। तो जल्दी से जल्दी जाके देखिएगा हमारे सारे पार्ट्स, ये हमारी सारी शॉप्स है, ये हमारे खाने पीने के सामान वाली एरी गाइस पीछे, यहाँ से हम कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं। ये रहा वो पीछे हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ से हम सूप अपना जो होता है वो पैनकेक वगैरह हम सब चीज़ ले सकते हैं, वाटरमेलन वगैरह। तो ये हमारी सारी शॉप्स है, और ये शॉप्स के पीछे जा रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़, और ये रही हमारी नदी गाइस, जो हमारी गंगा नदी जा रही है, शायद कुछ नाम है गाइस मैं भूल रहा हूँ उसका, इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके मेरे को बताना कौन सी नदी है गाइस। और चलते अपने आगे की तरफ, अपने दूसरी दूसरी वाली सामने वाली शॉप्स की तरफ गाइस, वो भी एज इट इज ही है गाइस अपनी सारी शॉप्स। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ इस प्रकार दिख रही है गाइस। मैं चाह रहा हूँ कि ट्यूटोरियल हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए ये हमारा सारा मतलब अपना जो हमने बनाया है गाइस, मैं आपको टोटली वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये हमारा सारा सामान है, यहाँ पर शॉप्स है, सब चीज़ें मिल सकती है गाइस, यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे जो केदारनाथ धाम की सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी नदी जा रही है गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, ये नदी वाला रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखिएगा गाइस पूरी नदी जा रही है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको वो कैसा लग रहा है ये व्यू। तो मैं मतलब थोड़ा और चलते हैं आराम आराम से, आराम आराम से मतलब अपना, ये हमारे होटल्स है गाइस, होटल्स की विंडो वगैरह है गाइस, ये मैंने सारे रूम्स वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे सबके, मतलब जो भी हमारे श्रद्धालु रहने दर्शन करने आएंगे अपना, वो यहाँ पर रहने की भी उनको सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है गाइस। तो गाइस ये मैंने एक मैप देखा था अपना, एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसके चैनल पे मैंने मैप देखा था केदारनाथ धाम का, जो आने वाला वो लोग बनाने जा रहे हैं। तो गाइस मैंने उसके पर्पज से ये मैप बनाया। तो गाइस कमेंट करके बताना ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है हमारे चारों तरफ की जगह। अब हम आपको ये भी दिखा देते गाइस, ये देखिएगा ये हमारा पूरा साइड व्यू दिखा रहे हैं हम गाइस आपको। तो एक बार चलते हैं अपने आगे की तरफ, ये हमारे पहाड़ है गाइस, ये देखिए पहाड़ पूरी नेक्स्ट लेवल वाली बातचीत आई रही है गाइस, हमने मतलब पूरी अपना गाइस 100% दिया है हमने इसमें। तो कमेंट करके बताना अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके बताना, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये कुछ इस प्रकार आपको मैं नदी दिखा रहा हूँ अपनी, जो हमारी नदी जा रही है गाइस यहाँ पे, मतलब अपनी गंगा जी ही है ऑब्वियस सी बात है, बट इसमें मतलब गाइस इसका नाम है कुछ नदी का, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो नाम आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। ये हमारी नदी जा रही है पूरी गाइस, अभी पीछे की भी हम दिखाएंगे। तो हम निकलते अपनी दुकानों से बाहर गाइस जल्दी जल्दी, थोड़ा इधर से बाहर निकलते हैं ताकि हम अपना टेम्पल कवर करें, क्योंकि अब हमारे टेम्पल की बारी है गाइस, जो हमारा मेन है गाइस यहाँ पे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी हमारा वो है हमारा टेम्पल। तो अब एक काम करते हैं अपने सामने देखते हैं वो रहा अपना टेम्पल गाइस, ये है हमारा केदारनाथ टेम्पल। तो गाइस ये देखिएगा ये हमारा पूरा टेम्पल है, ओम नमः शिवाय गाइस, ये देखिएगा गाइस पूरा हमारा टेम्पल है गाइस, ये हमारी पूरी जो त्रिशूल है गाइस आगे, और वो जो आगे घंटियों का लगा हुआ है गाइस, ये मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ बाहर से गाइस, कुछ
किस प्रकार दिखता है हमारा टेंपल। ये पीछे जो बड़ा स्टोन है हमारे टेंपल की, ये वो चीज़ है गाइस, बड़ा वाला स्टोन। हम जांच की वजह से जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ इस पत्थर से कट के चली गई थी, टेंपल हमारा बच गया था। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार दिखा रहा है, दिख रहा है अपना टेंपल गाइस, और चारों तरफ अपने पहाड़ है, पीछे बर्फ वाले पहाड़ है गाइस, दो एक तीन है सॉरी गाइस, एक यहाँ पर भी है। पहले अपने टेंपल अपना कवर करते हैं गाइस, ये देखिएगा ये पूरा हमारा टेंपल कवर, मतलब हमने राउंड शेप में कर दिया है। और गाइस वो देखिएगा, वो रहा पहाड़, एक पहाड़ वो रहा अपना, एक पहाड़ अपना पीछे है गाइस। तो ये अपने तीन पहाड़ है गाइस, और ये अपने सारे श्रद्धालु लोग आ रखे हैं। और ये जो हमारी फेंसिस लग रही है आगे, जो जाली लग रही है गाइस, तो अब हम अपने टेम्पल के अंदर एंटर होते हैं गाइस। ये हम गए अपने एंटर होके अपने टेम्पल के अंदर गाइस। ये हमारा टेम्पल का इंटीरियर है गाइस, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा पूरा टेम्पल का इंटीरियर है। मैं एक बार आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ गाइस, ये पूरा इंटीरियर है अपने टेम्पल का। तो गाइस ये है हमारे जो नंदी महाराज है, जो सोने के अंदर हैं, वो बनाए हैं हमने। और ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है केदारनाथ धाम, ओम ओम नमः शिवाय। तो गाइस ये रहा अपना एंटर होते, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैल अपनी बजाते हैं और फिर चलते हैं। ये हमारे पंडित जी सारे अपने जो हैं टेंपल के अंदर गाइस। ये रही हमारे शिवलिंग गाइस, ओम नमः शिवाय गाइस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस ये हमारी शिवलिंग है जो हमारे टेंपल के अंदर है गाइस। तो गाइस कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और ये सारा हमारा छतर वगैरह है पूरा जो टेंपल के अंदर है। और गाइस एक दो चीज़ें अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट मी डाउन गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी हमने ये बनाया अपना पूरा टेंपल, ये हमारे शिव जी हैं गाइस। तो गाइस ये हमारा कुछ इस प्रकार से, पहले अपने काम करते टाइम कर लेते हैं डे का गाइस, ताकि अपने को कोई दिक्कत नहीं आए वीडियो बनाने में, ताकि हमारा पूरा रोशनी में गाइस, क्योंकि नाइट व्यू भी दिखाएंगे हम। और वेदर करते हैं अपना क्लियर गाइस। अब चलते एकदम हम अपने बाहर की तरफ, बाहर थोड़ी बारिश सी आ रही थी पर कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। ये देखिएगा ये हमारे पूरे पहाड़ है गाइस चारों तरफ। ये पहाड़ मैंने गाइस खुद अपनी मेहनत से बनाया अकेले, एकदम बिना किसी की सहायता लिए बगैर। ये हमारी नदी जा रही है गाइस बगल से पूरी, ये देखिएगा बर्फ के पहाड़ है हमारे, ये जा रही नदी हमारी गाइस। ये रे पीछे पहाड़ अपने, ये रहा अपना टेम्पल यहाँ से कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और ये रहा एक हमारा वहाँ पे पीछे बर्फ का पहाड़, और ये जा रही अपनी नदी गाइस। एक टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब टेम्पल नहीं सॉरी गाइस, पहाड़ अपना बर्फ का एक और यहाँ पर है, टेम्पल तो अपना एक ही है यहाँ पे। और नीचे अपना हवन कुंड है गाइस। और ये देखिएगा ये अपनी नदियाँ जा रही है गाइस। तो गाइस प्लीज़ मेरे को उस पर सपोर्ट आप लोगों का अच्छा चाहिए गाइस, बस मैं बस यही होप करूँगा शिव जी से कि मेरे को इस पर बहुत अच्छा वो मिले, क्या बोलते हैं रिस्पांस गाइस बहुत तगड़ा मिले। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको टोटल हमारा जो नक्शा, एक बार यहाँ से जाके अपना उल्टा जाके एकदम उल्टा, या मतलब वे टू मतलब वापस जाके फिर एकदम एंट्री करेंगे अपने सीधे गाइस। तो गाइस आप मतलब ये थोड़ा मेरा छोटा बोलेंगे बड़ा प्रोजेक्ट बोलेंगे, अभी तक का तो मेरे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाइज, मैंने गोकुलधाम सोसाइटी बनाई थी उससे ये डबल ट्रिपल है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। तो गाइज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा गाइज, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ अगर मेरे को उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बस गाइज़ मैं यही प्रे करूँगा कि मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिले, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो गाइज़ ये कुछ नीचे का इस प्रकार है हमारा नक्शा, मैं एक बार थोड़ा आगे चल जाए फिर दिखाऊँ मैं आपको ऊपर होके गाइज़। ये देखिएगा ये कुछ नीचे का हमारा इस प्रकार ऐसा है रास्ता, ये हमारा आने के तीन वे हैं जो मैंने आपको बताए थे गाइज़। थोड़ा और आगे चलते अपने, ये थोड़ा गाइस क्या होता है बफरिंग हो जाता है कभी कभार, तो थोड़ा थोड़ा अटक के चलता है गाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनक्राफ्ट में मेरे में कुछ हो रखा है, मेरा थोड़ा डिवाइस ऐसा ही है गाइस। तो ये गाइस कुछ नीचे से ऐसा अपना रास्ता है ऊपर आने का, ये तीन वे है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, और ये ऊपर आने का रास्ता है गाइस। और ये बगल में नदियाँ हैं, और ये हमारा जा रहा है वे टू केदारनाथ। ये गाइस सारे हमारे पहाड़ है आजू बाजू गाइस, एक बारी मैं और ऊपर से दिखाता हूँ। ये हमारे गाइस चारों तरफ पहाड़ है, एकदम पहाड़ ने कवरिंग कर रखा है। और ये बीच में हमारा पूरा केदारनाथ टेंपल वाला हमारा पहाड़ है गाइस। तो गाइस कमेंट मी डाउन, मेरे को मतलब ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मतलब मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो ये देखिएगा ये मेरा एक छोटा सा जो था आप लोगों के सामने पेश करने का गाइस, केदारनाथ टेंपल जो गाइस मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है गाइस। तो गाइस
ये देखिएगा कुछ इस प्रकार था हमारा केदारनाथ टेम्पल। तो गाइस वीडियो यहाँ तक देखते हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।